गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सुलता किचन एंड फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? मैं ठीक हूँ, मेरा आदि भी ठीक है। आई होप आप सभी भी ठीक ही होंगे। आज सोमवार, अभी टाइम बज रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं। मेरा ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से कुछ भी, मतलब सुबह से जितना काम है मेरा सब खत्म हो चुका है। अभी मैं आज बनाऊँगी उड़ीसा के फेमस दही बड़ा आलूदम। तो चलिए देखते हैं दही बड़ा आलूदम मैं कैसे बनाती हूँ, उसके लिए क्या क्या जरूरत होता है मैं आप लोग की बताऊँगी। लेकिन एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत टेस्ट लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप उसको सुबह भी खा सकते हो या फिर शाम भी खा सकते हो। तो चलिए देखते हैं दही बड़ा आलूदम मैं कैसे बनाती हूँ। पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ दही बड़ा आलूदम के लिए क्या क्या जरूरत होता है। पहले तो मैंने उड़द दाल को रात को भिगा के रखा था और सुबह उसका पेस्ट बना दिया था। उसका पेस्ट जब बनाओगे ना, थोड़ा गाढ़ा करके बनाया ना, आप देख सकते हो, ज़्यादा पतला नहीं बनाना। यदि आप पतला बनाते हो ना तो बड़ा अच्छा नहीं बनेगा। मैंने उसको देखो कैसे गाढ़ा बनाया, आप उससे भी गाढ़ा कर सकते तो अच्छा बात है। यहाँ पे मैंने जो आलूदम बनाऊंगी, मैंने सिर्फ आलू से नहीं बना रही हूँ, उसके लिए मैंने मटर भी, मतलब मटर और आलू दोनों को मिला के मैंने बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मटर आलू के साथ दही बड़ा आलूदम खाने के लिए। तो मैं मटर आलू दोनों को मिला के बनाऊंगी। मटर आलू बनाने के लिए मसाला जो लगता है, मैं यहाँ पे एक प्याज का पेस्ट किया है। अब उसके जगह छोटी छोटी प्याज को भी कट करके ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, एक बड़ी टमाटो को पेस्ट करके लिया है। आप या इसके जगह आप छोटे छोटे टमाटर भी काट सकते हो। सूखा मसाला भी मैंने लिया है, दो दालचीनी, ग्रीन गुजराती, गोल मरीच और इलायची। उसके साथ थोड़ी सी धनिया पत्ता भी कटा है मैंने, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा मुझे। दही का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाटी दही लिया है। उसको, मतलब उसमें जो छुनका देने के लिए मैंने जो महुरी और जीरा पाउडर, आप वीडियो को लास्ट जाए देखिए, फिर आप लोग को पता चलेगा, क्योंकि मैं एक एक करके आपको देखाऊंगी ना तो टाइम बहुत हो जाएगा, तो आप देखने में थोड़ा बोर हो जाएंगे। इसकी वजह से मैं आपको वो लास्ट में दिखाऊंगी। पहले मैं उसका बैटर अच्छी तरह मिला दूंगी। इसमें मैंने नमक डालूंगी, इस हिसाब से नमक देख के डालना है। नमक डाल के मैं इसको अच्छी तरह मिला दूंगी। आप देख सकते हो मैं पूरा अच्छी तरह ऐसे उसको मिलाऊंगी। उसको अच्छी तरह नहीं मिलाऊंगा ना तो बड़ा अच्छी नहीं बनेगा। मैंने फिर भी उसमें जो बेकिंग पाउडर नहीं पकाया, क्योंकि खाया सोडा नहीं डाला है मैंने, तो इसकी वजह से मैं उसको अच्छी तरह ऐसे मिला हूँ। आप देख सकते हैं मैं पूरा अच्छी तरह उसको ऐसे मिला दिया है। हमारा बड़ा का बटर अच्छी तरह बना कि नहीं बना, हम ऐसे बाटी में पानी लेंगे और उसको ऐसे पानी में डालेंगे। आप देख सकते हो मेरा जो बैटर है पानी में भस रहा है, यानी हमारा बैटर पूरा बन के रहेगी। आपका बैटर अच्छा नहीं बनाएगा ना तो ये पूरा नीचे तक बढ़ जाएगा, तो आप लोग को पता चलेगा आपका बैटर अच्छी तरह नहीं बना। ये देखो कितना अच्छी तरह भस रहा है, यानी हमारा बैटर अच्छी तरह बन गया है। अभी मैं उसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी।
मैंने उसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। अभी मैं उसके लिए जो आलू का मसाला, मतलब आलू मटर का जो मसाला है, उसको बना लूँगी। उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई बैठा दिया है, आप देख सकते हो कढ़ाई बैठा दिया है। यहाँ पे मैंने दूंगी रिफाइंड का तेल, आप चाहो तो सरसों का तेल भी दे सकते हो, लेकिन मुझे रिफाइंड का तेल भी अच्छा लगता है इसकी वजह से। जब तक तेल गर्म होता है हम जो सूखा मसाला रखा था उसको दे दूंगी। आधी चम्मच जीरा, थोड़ी देर के लिए ऐसे भूनेंगे। अभी जब प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट में डालेंगे, दोनों को अच्छी तरह मिला दूंगी। जैसे प्याज का जो कंचा स्मेल, अदरक लहसुन का जो कंचा स्मेल और चला जाए। अभी इसमें मैं नमक डालूंगी, नमक देख के डालना क्योंकि जब मैंने आलू मटर बॉयल किया था ना उसमें नमक डाल के मैंने बॉयल किया है, आप देख सकते हो। क्योंकि नमक जब डालोगे ना तब देख के डालना। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर भी देख के डालना क्योंकि बॉयल करने बाद भी मैंने हल्दी डाला है। धनिया पाउडर, अभी ये सबको अच्छी तरह मिला है। मैंने इसमें जीरा पाउडर नहीं डाला है, आप चाहो तो जीरा पाउडर डाल सकते हो। इसमें जो टमाटर पेस्ट किया था उसको दे देंगे। अभी इसमें मैंने थोड़ी पानी दे दी ताकि मसाला अच्छी तरह बन जाए और नीचे ना लगे। अभी मैं उसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि मसाला अच्छी तरह भी बन जाए और मसाला से तेल बाहर निकल के आए। मसाला नीचे ना लगे।
देख सकते हैं मैं इसको बीच में इसलिए कलर हूँ जैसा तेल से बाहर निकल के आ रहा है, तो अच्छी तरह बनाऊंगी। मसाला तो जितना अच्छा बनाओगे ना सब्जी का टेस्ट उतना अच्छी लगता है। देख सकते हो मसाला कितना अच्छी तरह भून चुका है। अभी इसमें अति चम्मच गर्म मसाला डालेंगे। आप गर्म मसाला नहीं डालना चाहते तो नहीं डाल सकते, क्योंकि पहले हम गोटा मसाला डाला था क्योंकि मुझे ज़्यादा गर्म मसाला अच्छा लगता है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा दिया है। अभी हमारा मसाला बन के पूरा रेडी है, आप देख सकते हैं। अभी जो बॉयल किया आलू और मटर उसको डालेंगे, अच्छी तरह से मिला लो।
इसमें कटा हुआ धनिया पका दूंगी। अभी उसमें मैं थोड़ी सी पानी दूंगी। इसको अच्छी तरह उबलने के लिए छोड़ दूंगी। जब अच्छी तरह उबलना आ जाएगा ना तो हमारा सब्जी पूरा बन के रेडी हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो उबलना आ गया है। वाह इतना अच्छा धनिया सब। अभी आप देख सकते हो ये बनके पूरा रेडी है। अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको एक साइड करके रख दूंगी। बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल रख दिया, आप देख सकते हो। पांच मिनट के बाद आप देख सकते हो मेरा बड़ा जैसा है जो पेस्ट। अभी बड़ा बनाने शुरू करेंगे। अभी मैं बड़ा बनाना शुरू करूंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो बैटर लिया है, यहाँ पे मैंने बाटी में पानी लिया है। पानी इसकी वजह से लिया है क्योंकि मैं पानी का हाथ थोड़ा थोड़ा करके जब बड़ा रखा है उसको दूंगी। बड़ा छोटा छोटा बनना है, दही बड़ा में छोटा छोटा बड़ा अच्छा लगता है। तो आप बड़ा बड़ा ना करके छोटा छोटा करना, बहुत अच्छा लगता है छोटा छोटा। पे गैस को आप हाई मत रखना क्योंकि हाई पे आप रख दोगे ना तो बड़ा पूरा ऊपर से जल जाएगा, अंदर से नहीं पकेगा। तो गैस को मीडियम में भी रख के आपको ये बनाना है। देख सकते हो मैं पहले इतना ही दिया है, बाद में और दूंगी। अभी उसको ऐसे पलट दूंगी।
यहाँ पे मैंने गैस को मीडियम पे ही रखा है, हाई पे नहीं रखा है क्योंकि ऊपर से जल गया, जल जाएगा, अंदर से नहीं होगा इसकी वजह से। आप देख सकते हो मेरा परा जो हो चुका है, क्योंकि हमने उसको ज़्यादा कड़क करके नहीं पकाना है, मतलब नहीं पकने देना है उसको, थोड़ा सा ही जब राइट ब्राउन कलर हो जाएगा ना तब उसको निकाल देना, क्योंकि दही में ज़्यादा कड़क वाला अच्छा नहीं लगता है। अभी मैं इसको निकाल लूँगी। एक बाटी में मैंने पानी लिया है और उसमें दे दूँगी। पानी से देने से क्या होता है ना, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल के जाता है, और जो गरम गरम आप दही में डालोगे ना तो दही फट जाने का चांस रहता है, इसकी वजह से मैंने पानी में दे दिया है। बाकी जो भरा है मैं उसको बाद में करूँगी, अभी नहीं करूँगा। अभी मैं दही का बैटर बना लूँगी। दही का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दही का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाटी दही लिया है, आप देख सकते हो। सही बाटी में मैंने पानी लिया है, अभी उसको अच्छी तरह मिला दूंगी। मैंने हाथ से मिला रही हूँ, आप चाहो तो दूसरा पीस से भी मिला सकते हो।
अभी इसमें आधी चम्मच जीरा पाउडर, उसको मैंने गैस में थोड़ी सी फ्राई करके उसको उसका पाउडर बनाया था। और इसमें मैंने काले नमक दूंगी, मतलब बीट नमक। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और कटा हुआ धनिया का पत्ता। अभी ये सबको अच्छी तरह मिला दूंगी। दही में तड़का देने के लिए मैंने तड़का का पैन रखा है, देख सकते हो। अभी उसको मैं गर्म होने के लिए छोड़ूंगी। अभी इसमें मैं थोड़ी सी तेल डालूंगी। अभी इसमें मैं थोड़ी सी तेल डाल रही हूँ, देखो तेल भी गर्म हो चुका है। अभी इसमें आधा चम्मच रवा और आधा चम्मच जीरा। इसको अच्छी तरह आप देख सकते हो, ये अच्छी तरह रखा आ रहा है। अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसमें कड़ी पत्ता। अभी मैं इसको दही में डालूंगी। हमारा दही पूरा बनके रेडी है और हमारा बड़ा भी रेडी है। और इसमें मैं ऐसे पेस्ट करके पानी निकाल दूंगी और दही में दे दूंगी। अच्छी तरह से मिला दूंगी। अभी आप देख सकते हो मेरा दही बड़ा बनके पूरा रेडी है। अभी आप उसको तुरंत भी खा सकते हो या फिर उसको फ्रिज में ठंडी करके भी खा सकते हो। अभी मैं इसको रख दूंगी और नेक्स्ट हम क्या करेंगे ना, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ। नेक्स्ट आप देख सकते हो मेरा आलू मटर का सब्जी भी रेडी है और इसमें दही बड़ा भी रेडी है। तो अभी मैं एक प्लेट में निकालूंगी और आपको थोड़ी सजा के दिखाऊंगी।
उसके ऊपर सजाने के लिए मैंने छोटा छोटा करके प्याज काटा है, उसको दे दूंगी ऐसे। उसमें मैंने सेव लिया है, उसको दे दूंगी ऐसे। थोड़ी सी धनिया पत्ता को ऐसे दे दूंगी और इसके ऊपर थोड़ी सी जो काली नमक उसको दे दूंगी यानी बीट नमक, जो जीरा भर रखा था उसको दे दूंगी भुना हुआ। अभी आप देख सकते हो मेरी दही वड़ा बनके पूरा रेडी है। आप उसको सुबह भी खा सकते हो या फिर शाम को भी खा सकते हो। आपने तो देखा दही वड़ा मैंने कैसे बनाया, एक बार जरूर बना के खाएगा और आपका फिनिश मेरे साथ शेयर करना, बहुत टेस्टी लगता है, एक बार जरूर बना के खाएगा। आपने तो देखा मैंने कैसे बनाया, एक बार ऐसे बना के खाएगा, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। उसको सुबह भी खा सकते हो, शाम को भी खा सकते हो या फिर दोपहर में भी खा सकते हो, क्योंकि हम जब पढ़ाई करने के लिए जाते थे ना तो रास्ता में बैठे रहते लोग, हम उससे बहुत खाते थे। अभी उसका याद आ रहा है, कब उनका याद तो अभी नहीं आ गया क्योंकि अभी तो हम नहीं खा सकते, इसलिए मैं घर पे बनाया। तो एक बार ज़रूर खाना और आपका फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करना। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, पास में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक करना और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।